जीसस ग्लोरी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑन कर दें ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं पास्टर बजिंदर सिंह की गवाही कि कैसे परमेश्वर ने उनको चुना और कैसे परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी को बदला। दोस्तों, ये बात है 8-9 साल पुरानी के पास्टर बजिंदर सिंह यहाँ पर हरियाणा के अंदर परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। बजिंदर सिंह ने बहुत से बिजनेस किए और उनका बिजनेस नहीं चला, कई उन्होंने काम करके देखे, उनका काम नहीं चला। उसके बाद उन्होंने लड़ाई झगड़े भी बहुत किए जब वो सेवा नहीं करते थे, बहुत लड़ाई झगड़े किए और उसकी वजह से उनके ऊपर कई केस हुए। वो जेल भी गए और जेल के अंदर जब वो थे तो वहाँ पर किसी ने उनको परमेश्वर का वचन बताया, बाइबल दी, उनके लिए प्रार्थना की और जब उनके लिए प्रार्थना की तो उनका जीवन बदला। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। उनकी यही उस वक्त डिमांड थी कि मैं उसी परमेश्वर को मानूंगा जो मुझे जेल से बाहर निकालेगा। और देखते ही देखते वो जेल से बाहर आए और उसके बाद उन्होंने हरियाणा के अंदर करनाल के अंदर सेवकाई शुरू की और वो चंडीगढ़ में बाल भवन के अंदर सेक्टर 23 में उन्होंने चर्च शुरू किया और वहाँ देखते ही देखते 5 से 10 हज़ार लोग आने लगे और कलीसिया उनकी बढ़ती गई। लेकिन वहाँ पर भी उनका विरोध हुआ, कुछ पास्टर्स ने उनका विरोध किया जिसकी वजह से उनको वहाँ से भी जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने पंजाब के अंदर जेल से बाहर आने के बाद पास्टर बजिंदर सिंह ने करनाल के अंदर सेवा शुरू की और देखते ही देखते वो चर्च 2000 के करीब पहुंच गया। बहुत से लोग वहां पर आ गए और सेवकाई बढ़ने लगी, लेकिन वहां पर भी जो है उनका विरोध हुआ और वहां से भी उनको जाना पड़ा। पास्टर बजिंदर सिंह करनाल से चंडीगढ़ आए, मीटिंग्स की, उन्होंने पंचकुला के अंदर, कलाग्राम के अंदर भी प्रार्थना सभाएं की, उन्होंने जीरकपुर के अंदर भी चर्च शुरू किया, लेकिन वहां पर भी वो परमानेंट नहीं हो पाए। उसके बाद उन्होंने मुल्लापुर से आगे कुरारी रोड पे वहाँ पर चर्च शुरू किया और इस वक्त अभी वहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं और जहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं। और जलंधर के अंदर ताजपुर में भी उन्होंने चर्च शुरू किया, वहाँ पर भी हज़ारों लोग आते हैं। परमेश्वर इनको बहुत इस्तेमाल कर रहा है और बहुत से चमत्कार इनके द्वारा हो रहे हैं, बहुत से गवाहियाँ इनके द्वारा हो रही है, बहुत से जीवन इनके द्वारा बदल रहे हैं। तो ये कैसी लगी आपको जानकारी? परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।